कि देश के अंदर दो संविधान, एक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, एक मनु का संविधान, जिसे आज जो भारत सरकार है वह बखूबी मनु का संविधान लागू करने में लगी हुई है। और इन्होंने 2016 में किस तरह से एक्ट में अमेंडमेंट करके वो सारी पावर्स अपने पास रख लिया, इलीगल काम को इन्होंने लीगल बना लिया है। तो हमें इस पर भी लड़ाई लड़नी है। ये सारा सारा का सारा जो षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है, जब से आरएसएस की स्थापना हुई 1925 से लेकर के तब से हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन दुख और दुर्भाग्य है कि हम आरएसएस की बुराई जरूर करते हैं, लेकिन हमने कभी ये इस बात को नहीं सोचा कि वह लोग जो है 4 बजे उठ करके शाखाओं में इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे लोग 4 बजे क्या 6-7 बजे तक सोते रहते हैं। पूरे भारत वर्ष के लोगों का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब जो अपने हाथ में भारत के संविधान की पुस्तक पकड़े हुए हैं, वह पुस्तक जो है पूरे देश को संचालित करने के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए है। तो यह अपमान पूरे देश के लोगों का हुआ है, 140 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है। तो आज जो हमें डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कि हमें किस तरह से आंदोलन चलाना है। आंदोलन में अभी कुछ विचार आए, केंद्र साहब का विचार था कि 26 तारीख चूंकि उस दिन स्पीकर का चुनाव होना है, उस दिन हम पूरे देश के लोगों इकट्ठा करके और विशाल प्रदर्शन करें। कुछ लोगों का विचार है कि 24 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तो हमें 24 तारीख को ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा भी अपना मानना है कि हमें 24 तारीख से इसका आंदोलन खड़ा करना चाहिए, चाहे वो आंदोलन कितने भी लंबे समय तक चले। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के साथ साथ सामाजिक संस्था है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अखिल भारतीय एस सी एस टी विकास संगठन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और एक संस्था है जिसका भोपाल में विजय बौद्ध जी हैं, उसका भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एकीकृत बहुजन रिपब्लिकन एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया। तो जैसे ये बात पता चले, पूरे देश में ये मैसेज हमने फ्लैश किया है और पूरे देश के लोग इस बात से बहुत आक्रोशित हैं कि बाबा साहब के साथ बहुत बड़ा अपमान हुआ है। इसी सिलसिले में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा, उसकी प्रति प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को लिखा है। राष्ट्रपति के यहाँ एक ई सिस्टम फाइलिंग है पिटीशन दाखिल करने का, उस ई सिस्टम पे हमने वो पिटीशन दाखिल किया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं चंद शब्दों में उसको पढ़ के सुना देता हूँ। ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट है रीइंस्टॉलेशन ऑफ स्टैच्यूज ऑफ भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी जी एट इट्स ओरिजिनल लोकेशंस इन पार्लियामेंट हाउस। रिस्पेक्टेड मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज सबमिटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ 2nd and 3rd June 2024, स्टैच्यूज ऑफ भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी जी आर शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशंस इन पार्लियामेंट हाउस टू रिमोट लोकेशंस इन पार्लियामेंट हाउस। ऑनरेबल मैडम, यू आर द विटनेस द थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया गैदर ईच ईयर ऑन 14th April एंड 6th December एट द स्टैच्यू ऑफ भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन पार्लियामेंट हाउस टू पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स on his birth anniversary and homage on his parinirvan divas respectively. Being the first citizen of India in the capacity of the President of India, Your Honor first pay floral tributes on 14th April and homage on 6th December to Bharat Ratna Baba Sahab Dr. B.R. Ambedkar at his statue in Parliament House, and then followed by the Honorable Prime Minister of India and his cabinet ministers and leaders of the opposition political parties. Shifting of statues of Bharat Ratna Baba Sahab Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi ji from its original locations is disregard and disrespect to them, and it also amounts to disrespect and disregard to the Constitution of India. It is the fact on record that Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India.
and he is called the father of the constitution. And Mahatma Gandhiji is called the father of the nation. In the statue, Dr. B.R. Ambedkar is holding the holy book of Constitution of India. The Constitution of India is the supreme law of the country, which provides the provisions for the governance. इसपे एक नंबर जनरेट हुआ है, हाँ, इसपे एक नंबर जनरेट हुआ है, अभी कोई रिस्पांस उसका नहीं आया है. लास्ट में हमारा इसका प्रेयर था. इट इज हमली प्रेयर दैट द ऑनरेबल Your Honor, may graciously be pleased to direct for immediate reinstallation of statue of Bharat Ratna Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi ji at its original locations in Parliament House. और इसका कॉपी प्राइम मिनिस्टर को सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट उसको दिया. तो साथियों, ये जो चूंकि लीगल बात अभी केन साहब ने बताई कि इन्होंने 2016 में किस तरह से एक्ट में अमेंडमेंट करके वो सारी पावर्स अपने पास रख लिया, इन लीगल काम को इन्होंने लीगल बना लिया है, तो हमें इस पर भी लड़ाई लड़नी है. ये सारा सारा का सारा जो षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है, जब से आरएसएस की स्थापना हुई 1925 से लेकर के तब से हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है. लेकिन दुख और दुर्भाग्य है कि हम आरएसएस की बुराई जरूर करते हैं, लेकिन हमने कभी ये इस बात को नहीं सोचा कि वह लोग जो है 4 बजे उठ करके शाखाओं में इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे लोग 4 बजे क्या 6-7 बजे तक सोते रहते हैं. नहीं, अब जाग गए हैं, थोड़ा जागे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. जगह नहीं होते तो सर आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे नहीं होते, ये जागने का ही परिणाम है. तो यह आज बहुत बड़ा विषय बन गया है कि देश के अंदर दो संविधान, एक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, एक मनु का संविधान, जिसे आज जो भारत सरकार है वह बखूबी मनु का संविधान लागू करने में लगी हुई है, और इसलिए बाबा साहब की मूर्ति को शिफ्ट करना ये उसी का ही एक हिस्सा है. तो साथियों, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हम बाबा साहब के सच्चे फॉलोअर हैं, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, अंबेडकरवादी हैं, तो हमें बाबा साहब की स्टैच्यू के लिए जहां पर वो लगी थी उसी स्थान पर लगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा से बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े. तो इन्हीं शब्दों के साथ हम कैन साहब का धन्यवाद करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप इस जगह से आज जो निर्णय लेंगे वह पूरे देश में फ्लैश होगा और हजारों की तादाद में पार्लियामेंट पर लोग घेराव करें.